खत्म हो जाएगी। इसका मतलब बड़ा युद्ध होगा, बड़ा युद्ध होगा, लेकिन भयंकर परिणाम करने वाले जीवित नहीं रहेंगे। और फिर उनको दोबारा मारने के लिए वो घोड़े पे बैठ के आएगा, क्योंकि उनके सारे साधन खत्म हो जाएंगे। तभी तो कल की अवतार संभव है, वरना ऐसे में घोड़े पे चलना जहां जहाजों की और केवल किसकी लड़ाई हो, हेलीकॉप्टर आदि की लड़ाई हो, और जहां विध्वंसक पानी में पनडुब्बियां तैरती हो, तो ऐसे में घोड़े पे बैठ के कल की अवतार आके करेगा भी क्या? मुझे तो समझाइए ये बात। तो क्या उसको कोई तो परेशान नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। हाँ, आप कैसे ये बात समझ लेते हैं कि ऐसा होगा? अगर होगा तो कैसे होगा? अब लिखा है तो होगा ही, और होगा तो फिर कैसे होगा? होगा तो फिर ऐसे होगा कि ये दुनिया एक बार तबाह हो जाएगी, दुनिया एक बार तबाह हो जाएगी। इस संसार में विषमता बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको कलयुग कहा गया है। विषमताएं खत्म हो जाएंगी, सब समान रूप से जिएंगे, सब शांति में तो जिएंगे नहीं। अगर शांति में जिएंगे तो सत्ययुग आ जाएगा। आप शांत रहिए, आप अपने घर में सतयुग रखिए। आपके घर में अगर शांति प्रियता है, आप शांति प्रिय बनिए, आपको छोटी छोटी चीजों का प्रभाव पड़ना बंद हो जाए, आप ये सोचिए। क्योंकि शांति में ही ईश्वर मौजूद है, उसका कण कण किस में मौजूद है? शांति में और सत्य में, है ना। सत्य भी बोलना जरूरी है। ज्यादातर महिलाएं अपनी बहुओं से छिपा लेती है, बहुए अपनी सासुओं से छिपाती है। हर एक बात, भाई दो लाइन बनवा दे, किसी ने कहा एक ही लाइन बननी है। तो हमें शांति चाहिए, यानी कि ईश्वर चाहिए, उस तरफ करना चाहिए, ईश्वर भी चाहिए, और शांति से ईश्वर मिलेंगे। और जिसके घर में कभी लड़ाई नहीं होती वो सतयुग में जी रहा है, जिसके घर में कभी कभी लड़ाई होती है वो त्रेता में जी रहा है, जिसके घर में महीने में दो बार लड़ाई होती है वो द्वापर में जी रहा है, और जिसके घर में रोज ही कलह होता है वो कलयुग में। कलयुग तो कलयुग वाले कौन कौन है, हाथ उठाना जरा। कलयुग में कौन कौन जी रहा है? कलयुग में कौन कौन जी रहा है? ये कलयुग में जी रहे हैं, दिखाओ भाई कलयुग में कौन कौन जी रहा है। ये इनके घर में रोज लड़ाई होती है भाई, ये वे हैं जिनके घर में रोज लड़ाइयां होती है, और इनसे कारण पूछोगे तो वही छोटे छोटे, तो इनका भजन भी हो जाएगा और ये सतयुग में भी जीने लगेंगे। भजन कैसे होता है? भजन तो शांति से होता है। अशांति में कभी भजन हुआ है? अशांति में तो कबीर दास जी की पत्नी थी, कबीर दास जी को अशांत कर दिया, 40वें वर्ष में घर से निकल गए और उस ब्रह्म का साधन किया, ब्रह्म का ध्यान किया, तो ब्रह्म ही हो गए और ब्रह्म ही मानने लगे और गुरु रूप में सर्वत्र पूजे जाते हैं। उनकी पत्नी कबीर, यानी कि कड़वी हो जिसकी बीर, यानी कि बीरबानी, ऐसे ना, यानी कि पत्नी कड़वी थी और रोजाना उनके साथ युद्ध करती थी। उस युद्ध का परिणाम ये हुआ, कबीर दास जी ने घर छोड़ दिया और पूरे संसार को अच्छी सीख देने लगे। कहा तो कबीर दास जी ने स्त्रियों के बारे में भी होगा, स्त्रियों से इतना जलते भूनते थे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उनका एक दोहा ऐसा ही है कि नारी की जाही परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी क्या गति जो नित नारी के संग। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि स्त्रियां छोटी छोटी बातों पर लड़ती झगड़ती रहती हैं और वो ईश्वर को पाने में कभी भी मदद नहीं करती। ऐसी शांति प्रिय स्त्रियां बहुत ही कम देखने में आती हैं, जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आपके साथ चले। वरना तो उनको वही छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे अड़ंगे उनको याद आते हैं। ओ क्रिया वाले, छोटे अड़ंगे उनको याद आते हैं, और जब वो अड़ंगे याद आते हैं तो क्या होता है? इससे आपकी शांति भंग होती है, और शांति भंग होने से ईश्वर की प्राप्ति कभी भी नहीं होती है। ऐसा कलयुग कभी भी नहीं आएगा जिसमें एक व्यक्ति या एक भगवान घोड़े पे आएगा और तीरों से बरसात कर देगा और सब। ऐसा कलयुग तभी आएगा जब ये सृष्टि वापिस मिटे और ऐसा भयंकर युद्ध हो कि आदमी के पास साधन ही कोई ना रह जाए, और तब ऐसे लोग दुराचारी जीवित रह जाए, तब उनको मारने के लिए इस कलयुग का अवतार यानी कि कल के अवतार आ सकता है। उससे पहले कोई चांस नहीं, मनु भैया जी का वादा है, लिख के देता हूं। ये सृष्टि मिटेगी इसका मतलब, और चूंकि कल के अवतार का भगवान वेद व्यास जी ने अपने हाथों से पुराणों में गठित किया है, लिखा है, वर्चित किया है उनके द्वारा, तो अवतार तभी होगा जब ये पृथ्वी नष्ट होगी। इसका मतलब भयानक क्रोध से लोग मरने वाले हैं, वो भयानक क्रोध एक दिन लोगों के अंदर इस विषाद के रूप में भर जाएगा कि वो एक दूसरे को मार मार के
खा जाएंगे, एक दूसरे का हरण करेंगे संपत्ति का, और एक दूसरे पर अपने अपने विचार थोपने लगेंगे, और ऐसा जंगल राज आएगा। तभी जाके वो कल की अवतार उत्पन्न होगा जब एक बार ये सृष्टि मिटलेगी, और केवल तब भी कुछ निरीह प्राणियों पर ऐसे लोग वर्चस्व जमाएंगे जो दुराचारी हैं और पापी हैं, तब उस युग में कल की अवतार संभव होगा, वरना कल की अवतार आज के युग में संभव ही नहीं होगा, ना उसकी कल्पना की जा सकती है। ऐसे बिस्तर बंद हथियारों के होते हुए कि आप बैठे कहीं हैं और 1400 किलोमीटर दूर या 5000 किलोमीटर दूर आपने एक देश, आपने एक नगर पूरा का पूरा तबाह कर दिया है, ऐसे ही ना। तो शांति का माहौल बनाए रखें। ईश्वर की प्राप्ति सहज है, उसकी प्राप्ति में बल नहीं लगाना होता और ना बल कभी लगता है। एक प्रार्थना है, उस प्रार्थना को आपकी आरती बोलते हैं, उस आरती को कैसे करिएगा ये मैं बताऊंगा। उस आरती को करने का दीपदान से ज्यादा महत्व है, जो हम दीपदान कराकर आपके कष्ट निवारण कर रहे हैं, उस आरती को कराकर आप ईश्वर दर्शन की ओर आपको ले जाएंगे, क्योंकि जैसे हम बताएंगे वैसे जो व्यक्ति भी आरती करेगा उसको ईश्वर दर्शन का लाभ मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि शनि दर्शन का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। देवताओं के यहाँ अलग प्रकार से आरती की जाती है, इसलिए वो देवता को प्राप्त करने में सहजता महसूस करते हैं और वो तुरंत आरती और स्तुति करते ही प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। एक ऐसा व्यापार है, एक ऐसा व्यवहार है जिसके खुलने पर देवता आपके सहायक हो जाते हैं, और वो प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि उसके लिए सहज होना जरूरी है और प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की संतान है, तो वो सबको दर्शन देगा ही देगा। वो हमारा पिता है, हमारे पास आने के लिए आतुर है, लेकिन कभी हम उनके लिए चारपाई बिछाएंगे, जब हम उनके लिए चादर बिछाएंगे, जब हम उनके लिए बिस्तर लगाएंगे, तब वो आएगा आएगा और हमारे सारे सपने पूरे करके जाएगा। उत्तराधिकार का नियम वहां भी चलता है, जो जिस भगवान को मानता है उसकी संपत्ति को वो हासिल करेगा ही करेगा, बशर्ते उसने उसको ठीक से पूजा हो, भजा हो, माना हो। तो आरती के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले एक प्रक्रिया मैं आपको जल की समझाता हूँ। आप एक पात्र लीजिए, लोहे का पात्र लीजिए, लोहे का पात्र लेके जब आप दीप जलाते हैं, दो अगरबत्ती साथ लीजिए, उन दो अगरबत्तियों को साथ लेकर आपने बोलना है, शनिदेव महाराज मनु भैया को साक्षी मानकर मैं आपको जल प्रदान करता हूँ, आप ये जल ग्रहण कीजिए, आप अपना मुख जो है झूठा कीजिए और इस जल को पीकर मुझे धन्य कीजिए, हे शनिदेव महाराज इस जल में अपनी तरंगे प्रसाद रूप में मुझे प्रदान कीजिए। तो वही जल आपका इतना कार्य करेगा कि जो जो चीज आज तक आपको खिलाई गई है, पिलाई गई है और जितना भी आपको दिया गया है, वो सब खिलाने में पिलाने में वो सब केवल दो से एक सप्ताह, दो दिन से एक सप्ताह के अंदर अंदर निकल कर बाहर आ जाएगा, जिसके लिए आप कहते हैं कि मुझे तो खिलाया गया है। आपके शरीर की जगह भर जाएगी, आपके शरीर के अंदर जो प्रेतादिक बैठने का स्थान है वो खत्म हो जाएगा और आपकी मलिनता को तेजी से खत्म करने में सहायक वो होगा। लेकिन इसके लिए आपको लोहे का पात्र लेना पड़ेगा, और लोहे का कोई भी पात्र इस तरह का पूरे बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो किसके पास जाएं? सबसे पहले एक लोहार के पास जाएं और उसको बोले जो छोटी से छोटा कढ़ाई दान है तेरा, कढ़ाई होती है ना छोटी से छोटी, लोहे का ही पात्र लेना है, कोई और पात्र नहीं लेना, ये बात याद रखना। कौन सा पात्र लोगे? लोहे का पात्र लोगे। किससे बनवाओगे? लोहार से बनवाना है। वो पात्र धो मांज के अपने पास रखना है, साफ करके अपने पास रखना है, रोजाना दो अगरबत्ती दीप के साथ लगाकर उसमें जल प्रदान करना है शनिदेव महाराज को। हे शनिदेव महाराज मनु भैया को साक्षी मानकर मैं आपको यहाँ भी साक्षी मानना है, वरना जल तो सारी दुनिया भगवान को पिलाती है, रोज देती है, आगे समझ में, आपको जल प्रदान करता हूं, मेरा जल ग्रहण कीजिए, इसे अपनी तरंगों से तरंगित कीजिए ताकि मेरे दुखों का अवसान हो, मैंने आपकी शरणागति ली है और मुझे मेरे इन सारी बाधाओं से मुक्त कीजिए। आप उसी जल को अपने पूरे घर के जल में डाल लें, ठीक है,
आपके पास बड़ा पात्र हो बड़ा पात्र ले लीजिए, लेकिन फिर उस कमरे में किसी को नहीं घुसने दीजिए आधे घंटे तक, किसी को भी नहीं घुसने देना है। दो अगरबत्ती भी जला रही है, क्यों नहीं घुसने देना है? क्योंकि ये जल आपके बड़े काम का है। इस जल को पिलाते पिलाते अगर इस जल से ही ये प्रार्थना की जाए कि मेरा पुत्र मेरा बेटा मेरा पति दारू पीता है, उसका इस पदार्थ से मोह भंग कर दीजिए, इस मदरा से मोह भंग कीजिए, तो उसका मोह भंग हो जाएगा और वो मदरा पान करना छोड़ देगा। उसको हर बहाने में वही जल मिलाकर पिलाइए, आप देखेंगे कि उसकी वो मदरा छूट जाएगी धीरे धीरे। और मेरा विश्वास यह है कि जब इस तरंगित जल को आप पिलाएंगे तो जिसके शरीर के अंदर जो जगह है उसको मुझे वो रिपेयर हो जाएगी, एक तरह से मलिनता दूर हो जाएगी और उसका खाया पिया सब उगला जाएगा। अगर कोई पास में रह रहा है उसको अपनी शत्रु की पहचान नहीं है और शत्रु घर में से ही कोई है और वो आपको बार बार कुछ खिलाता पिलाता है तो उससे ही वो पकड़ा जाएगा और उसका पता चल जाएगा और उसका खिलाया पिलाया सब बाहर निकल जाएगा। तो एक जल की प्रक्रिया करनी है। इसके बाद मैं आपको, आप इसको आज से ही कर सकते हैं और इसका प्रभाव देख सकते हैं, इसका प्रभाव सीधा सीधा होगा। इसके बाद आपको उल्टियां पड़ सकती हैं, पूरे घर के जल में मिलाकर आप इसका साधन बना सकते हैं। ये नहाने में काम नहीं लेना, एक बात याद रखना, केवल पीने में ही काम लेना है। हाँ, और दूसरी बात ये, इसको गर्म नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, पहले से अगर आपने गुनगुना करके भगवान को प्रदान किया है वो काम आप कर सकते हैं, लेकिन इसको गर्म नहीं करना है अलग से। हाँ, आपने अगर भगवान को गुनगुना करके पिलाया है तो उस कमरे को बंद करना है ये सोच के कि शनि देव आएंगे, जल को ग्रहण करेंगे और ये जल शक्तिशाली होगा और फिर आप उस जल का कमाल देखेंगे अपने दीपक की ही तरह। हाँ, और इस जल को आप अपनी हारी बीमारियों पे लगा सकते हैं, वहां से जल से जैसे साफ करेंगे उतनी ही जल्दी वो पीड़ा आपकी दूर होगी और इससे आपके पेट के रोगों का निवारण होगा। लेकिन पात्र किसका रहेगा? लोहे का ही पात्र रहेगा। वो खुला भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से रोज करेंगे, आधे घंटे बाद आपने जाके दो तालियां बजानी है दरवाजे के परले पार खड़े होके, बंद दरवाजे के, ठीक है ना, और फिर अंदर जाना है। जिनके घर में इस तरह की सुविधा नहीं है वो कोई ऐसी चीज रख सकते हैं जो काफी ऊंची हो और जो उस सब की ओट कर ले, ठीक है। तो आप बोलेंगे, शनिदेव महाराज मनु भैया को साक्षी मानकर मैं आपको जल प्रदान करता हूं, हमारा जल ग्रहण कीजिए। मैं आपको टोटल मिला के 5 उपाय बताऊंगा, हो सकता है उसके बाद आप मनु भैया के पास आपको आने की आवश्यकता ना हो, और वही आएगा जिसको बहुत ज्यादा भारी समस्या होगी। जो छोटी छोटी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं उनके सारे के सारे रोग कष्ट घर पे ही दूर हो जाएंगे। इसी रूप में हम समाज में कार्य करना चाहते हैं कि आप घर पे ही बैठ के हमें देखते रहें और भगवान की भक्ति करें, हमारे पास आने की भी आपको आवश्यकता ना पड़े। इसी रूप में हम चाहते हैं कि आप हमें मान लें। और बात रही क्या कहते हैं साधकों की, तो वो साधक हम जल्द तैयार करेंगे जो इस तरह आपको सुरक्षित भी करेंगे। और ये हमारा ध्येय है, हमारा ध्येय है समाज को ऊपर उठाना, हमारा ध्येय है अपना वर्चस्व बताना, हमारा ध्येय है जो हमारे पुराणों में ग्रंथों में लिखा है वो सब सत्य है। हमारा ध्येय ये है कि हम जो आरती करते हैं अगर उस आरती को ही एक प्रकार से भगवान को समक्ष करके, एक छोटी सी क्रिया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा एक मंत्र के द्वारा, और समक्ष करके अगर उसकी आरती करें तो उसके दर्शन हम बखूबी कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, और देवता हमें अपनी तरंगे देगा ही देगा, मजबूती से देगा, और हम इन सब से पार पाकर भगवान की भक्ति में जुड़ सकते हैं, हम कभी भी प्रेत अवस्था में नहीं आए इसके लिए। और दीप दान का प्रयोग जो मैंने बताया है उससे सारा संसार, सारे संसार भर के लोग उस दीप दान को करके, हाँ किसी देश में किसी देश काल में अगर दीपक ना मिले आपको तो आप मोमबत्तियां भी जला सकते हैं, तो उससे आप अपने बुजुर्गों को अपने पूर्वजों को आप सुखी कर सकते हैं और उनकी आत्माओं को आप विशुद्ध कर सकते हैं। उसके बाद आप अमावस निकाले ना निकाले, आप उनको अलग से स्थान दे ना दे, आपके पितर इतने सूक्ष्म व सुरक्षित हो जाएंगे कि वो कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे और कभी भी आपके मुंह से आके ये नहीं बोलेंगे कि मुझे कहीं कोई जगह चाहिए। अगर बोलेगा तो कोई ऐसे भूत ही बोलेगा, आपका पितर कभी भी नहीं बोलेगा, वो आपका पितर बन के बेशक बोल जाए, लेकिन आपके पितरों को मुक्ति व शांति का दुनिया का सबसे नायाब करके दिखा सकता हूं पूरी दुनिया को। एक ही तरीका है, दीपक
दान विधि और दीप दान विधि में मानो भैया को साक्षी इसलिए माने क्योंकि मैं आपकी सुरक्षा के लिए हूँ, आपकी दीप की सुरक्षा के लिए हूँ। हाँ, मैं आपका भी बेटा हूँ, शनिदेव का भी बेटा हूँ, तो शनिदेव महाराज से मैं प्रार्थना आपके लिए करूंगा कि जो भी मुझे साक्षी मानेगा उसके दीप दान को, उसके जल दान को कभी भी कोई भी भूत प्रेत और मलिनता ग्रहण ना कर पाए इस पृथ्वी लोक में और इस कलयुग के अंदर। तो ऐसा कोई कल की अवतार नहीं होना जो इस समय आएगा, तो इस समय वो समय अभी नहीं आया है, तो कल के अवतार के होने की जो गणना है वो अभी बहुत दूर की है, यानी कि ये पृथ्वी मिटेगी, राक्षसों का राज होगा, इसका मतलब बचेंगे कौन, राक्षस गण ज्यादातर, और जो कुछ सज्जन लोग मुट्ठी भर बच जाएंगे उनकी रक्षा के लिए कल की अवतार होगा, तभी वो घोड़े पे बैठ सकता है, आज के युग में अभी तक संभव नहीं है। तो सारे बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय, शनिदेव महाराज की जय। अभी रोकना नहीं है भाई, इतनी देर से बोल रहा हूँ और ये वीडियो बाद में बनाने लगा है, उससे पहले एक घंटा पहले मैंने आपको भगवान की बहुत सारी बातें बताई, आपको छोटी छोटी बातें भी बताई, बस मुझे हाथ उठा कर ये बता दो किसके घर में सतयुग है, हाथ उठाए जिसके घर में सतयुग, हाँ पूरा हाथ उठाए तो हमें पता चले कि इनके घर में सतयुग है। सतयुग मतलब कभी झगड़ा ना होना, बेमनस्यत ना होना, हाँ इसे मत उठाना। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस, इनके लिए तालियां। अच्छा, जिनके घर में त्रेता है, अभी कभी वाले ज्यादा है ना, मैं भी हूँ कभी कभी वाले में से, मैं भी हूँ भाई कभी कभी वाले ज्यादा है, त्रेता में बहुत सारे लोग दे रहे हैं, और द्वापर में जिनके घर में महीने में दो बार लड़ाई होती होती है किसी ना किसी कारण को लेके, द्वापर में कोई नहीं रहना चाहता, अरे द्वापर में आ जाओ, द्वापर में भगवान कृष्ण हुए हैं, हम तो कल ही नहीं आएंगे भैया। अभी मंत्री था आपके स्वयं के इष्ट द्वारा, देवता द्वारा, शनिदेव महाराज द्वारा, तो जल को आप अपने घर में भी छीट सकते हैं, पूरा घर उसको पिए, जिससे जितने भी दुर्व्यसन हैं घर से निकलें और कष्टकारी दुर्व्यसन घर से निकल जाएं और आपकी बीमारियां भी शरीर से यानी कि पेट रोग से आपका निदान है। तो इससे सबसे बड़ी बात, ये जो पात्र है लोहे का जो पात्र है, इससे क्योंकि शनिदेव महाराज आपके पेट को और आपकी आंतरिक शक्तियों को बड़ा ही मजबूत करते हैं, आपके अंतःकरण को बहुत मजबूत करते हैं, आपकी बाह्य प्रवृत्तियों को शांत करते हैं, आपको अंतर की ओर धकेलते हैं और आपको भक्ति में लगाते हैं, तो इसलिए जब आप जल ग्रहण करते हैं और सबसे बड़ी बात आपके पेट के जितने भी विकार होते हैं वो शनिदेव की बुरी दशाओं से ही होते हैं, तो इसलिए अपने आप को सुरक्षित करें, शनिदेव की ही दशाओं से भी अपने आप को बचाएं और शनिदेव महाराज की कृपा भी पाएं, अपने पेट के रोगों को भी आप इस तरह से बहुत सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी डॉक्टर ने बताया आपने गर्म पानी पीना है तो जैसा जल आप रखेंगे वैसा ही लेंगे, लेकिन वो पहले गर्म किया हो, शनिदेव को भोग लगाया हो और फिर बाद में जो है उसको पी सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आपने जल रखा उसमें तरंगे आई और उसके बाद आपने उसको गर्म किया, नहीं, उससे आप अगर कोई आपके घर में दुर्व्यसन करता है, दारू पीता है या अन्य कोई दुर्व्यसन करता है, उसको आप उस जल को बार बार पिलाएं, यानी कि रोज पिलाएं, जब रोज अमल में आएगा तो एक दिन आप देखोगे उस आदमी की कोई भी इच्छा ही नहीं रही है वो चीज खाने और पीने की। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और से सिद्ध करता हूं, नहीं, सबसे पहले मैंने अपने भाई के ही दुर्व्यसन छुटाए थे, सबसे बड़ी बात यह है। तो ऐसा नहीं है, मैं कोई भी कार्य ऐसे नहीं बताता कभी भी, तो मजबूती से पहले मैं अपने ऊपर उसको लागू करता हूं और तभी किसी को बताता हूं, लेकिन ये बात आज की नहीं है, ये बहुत पहले की, और गांव में कोई भी बता देगा आपको इस बात को, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि मेरे भाई को भी मदरा की यानी कि दुर्व्यसन की लत लगी और हमने उसकी भी इसी तरह से छुड़वाई भगवान से प्रार्थना करके। तो आप भी जब भगवान से प्रार्थना करेंगे, एकांत में बैठेंगे और जब इस तरह से सुचारू रूप से काम करेंगे तो आप देखेंगे आपके कार्य हो गए, और आज आज मेरा भाई सुरक्षित है, साफ है, स्वच्छ है और उसको इन चीजों की आवश्यकता अपने जीवन में नहीं पड़ती है, अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा है और मेहनत करके रोटी खा रहा है। तो जय शनिदेव भक्तो, जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय। और इंतजार कीजिए कि मैं एक दिन आरती आपको बताऊंगा, उस आरती के बाद जो जो लोग भक्ति करते हैं उनकी भक्ति में बढ़ोतरी होगी और उनको दर्शन के वो करीब पहुंच जाएंगे और शनिदेव महाराज के जरूर दर्शन करेंगे, अपने अपने इष्ट के दर्शन जरूर करेंगे और तभी इस पृथ्वी लोक से वो
उससे पहले नहीं जाएंगे। तो भगवान के दर्शन करके शांति से मर के जाना है, ऊपर जाना है नीचे नहीं आना है, किसी का पितर नहीं बनना है, किसी के घर का प्रेत नहीं बनना है, अपनी इच्छाओं का त्याग करना है और छोटी छोटी इच्छाओं को छोड़ देना है, और छोटी छोटी इच्छाओं के ऊपर लड़ाई नहीं करनी है, एक दूसरे की सेवा करनी है। जब एक दूसरे की सेवा करेंगे, इच्छाएं नहीं रखेंगे अपनी सेवा की, तो प्रेत योनि में कभी भी नहीं आएंगे। और सदा सत्य बोलना है, जहां तक हो सके दूसरों के कल्याण के लिए केवल सत्य का ही वदन करना है। रोजाना बहुत सारे लोगों की तारीफ करनी है, क्योंकि भगवान किससे मिलते हैं? स्तुति से मिलते हैं। जब भगवान को प्रसन्नता चाहिए, प्रसन्नता से इंसान भी प्रसन्न होता है ना, क्योंकि हम सब के अंदर भगवान के बहुत सारे गुण मौजूद हैं और हमें उन गुणों का भरपूर रूप से अपने पूरे जीवन में प्रयोग करना चाहिए। जय शनिदेव। जय शनिदेव।